गुड मॉर्निंग स्वर्ष। गुड मॉर्निंग तो बोल रहा हूँ, हम लोग दिख ही नहीं रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और हम लोग बेचारे उठने, इधर स्पर्श है और इधर मम्मा है। स्पर्श को भी ठंडी ठंडी लग रही है, उजाला हो गया, उधर दिख रहा होगा। लेकिन हमारे रूम में है अभी अंधेरा, चलिए उठ के चलते हैं, मम्मी जाग रही है। गाइज उसके बाद ना मैं डायरेक्ट दोपहर में वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैं स्टार्ट तो कर दी थी बट मैं करी नहीं, मन ही नहीं किया आज ब्लॉगिंग करने का सुबह में। तो अभी ना सब्जी मैं बना रही हूँ, दोपहर का टाइम हो गया है, सब्जी और चावल आज बनाने वाली हूँ। और मेरा हाथ ना एकदम से जल गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। और थोड़ा सा नहीं जला है, बहुत ज़्यादा जला है। और ऐसे होता है ना कि हम एकदम बिजी होके काम करते हैं, थोड़ा भी हमारा ध्यान इधर उधर नहीं रहता है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार मेरा ना जल गया। ऐसे छींटा वगैरह पड़ता है सब्जी का तो वो बात अलग रहता है, लेकिन पता है क्या हुआ है, मैं ना एक बाउल में मैं गरम कर रही थी कुछ, और उसको ना पूरा ऐसे मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा इतनी सर्दी है और मैंने उसको पकड़ लिया पूरा, दोनों फिंगर मेरा ना उसी तरीके से वो हो गया है। अब छाले पड़ेंगे, जबकि मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश भी किया है, लेकिन फिर भी जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बस सब्जी तो बनी चुकी है, तो सब्जी को मैं निकाल दे रही हूँ, ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ दूसरे बाउल में। उसके बाद मुझे राइस भी रखना है, और मिल्क भी अभी आ चुका है, तो मिल्क दूसरी साइड में गर्म हो रहा है। और पता है इस कड़ाके की सर्दी में ना काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ तो बहुत सर्दी है, और इससे जैसे गर्मी में होता है ना कि हम जैसे ये कर लिए वो कर लिए ये कर लिए, इसमें सर्दियों में थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगर हम ये किए हैं तो उसके बाद अगर बर्तन भी वॉश करना है तो करो कि नहीं, कि इकट्ठे एक ही बार वॉश करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने हाथ को ही धो रही थी बार बार, क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे हाथों में। एंड बस अभी राइस मैं बनाने वाली हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। तो मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है कुकर में, क्योंकि घी ना मम्मी खाती नहीं है ज़्यादा, तो मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा डाली। जीरा जब थोड़ा डार्क हो गया देन मैं इसमें डाल दी हूँ राइस। राइस वॉश करके पहले ही रखी थी, और इसको डाल देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मिक्स करना होता है, ज़्यादा देर उसके बाद नहीं भुनना है। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, बाकी हाँ पुदीना का पत्ता मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है पुदीना का पत्ता, अगर मैं डाल देती हूँ। नमक डाल दिया एंड बाहर से मैं तोड़ के लेके आई हूँ। तो बस ये चलाने के बाद थोड़ा सा जैसे एक मिनट ही बस ड्राई होगा ना, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी डाल देने के बाद इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी। थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट में राइस मेरा रेडी हो जाएगा। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने विंटर शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने रिसेंटली अभी परचेस किया है, और सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने जो भी शॉपिंग करी है वो मैंने अमेजोन से करी है, और माय हॉल स्टोर का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको मेरे सारे अमेजोन के कलेक्शन आपको दिख जाएंगे। गाइस अमेजोन पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 15 से 20 जनवरी तक है, और प्राइम मेंबर के लिए 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी और डिस्काउंट पाना है तो आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं, इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने व्हाइट कलर का एक स्वेटर परचेज किया है, और इस स्वेटर को आप एज अ इनर की तरह भी आप वेयर कर सकती हैं, साथ ही साथ आप इसको टॉप के नीचे, या फिर आपको स्टाइल करना है कुछ डिफरेंट डिफरेंट सर्दियों में, या फिर आप वो लॉन्ग कोट पहनती हैं उसके अंदर आप इसको डाल सकती हैं। ये काफी कंफर्टेबल है, साथ ही साथ काफी गर्म रखता है। एंड इसके फैब्रिक की बात करूं तो एकदम उलेन वाला है, इसका फैब्रिक है काफी स्ट्रेचेबल है, आपको इतना सा दिख रहा है लेकिन ये स्ट्रेच होकर काफी चौड़ा हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और ये मेरे में आ भी जाता है, सबको मैं पहन के साइड में दिखा दूंगी तो आप लोग देख लेना पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है। ये हाई नेक के साथ आता है, सो हमें पहनने के बाद हमें सर्दी थोड़ी सी कम लगेगी, और काफी कंफर्टेबल भी है। जब मैंने इसको पहना था तो ये काफी गर्म भी रखता है, तो सो आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। इसमें का मैंने एक कलर और भी लिया है, उसको मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बाकी ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ हमारे चल जाते हैं, साथ ही साथ अगर हमें साड़ी पहनना है तो एज अ ब्लाउज की तरह भी आप इसको वेयर कर सकते हो, काफी कंफर्टेबल है। एंड ये लेके जाने में भी कहीं काफी अच्छा है, क्योंकि एकदम छोटा सा बन जाता है।
जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो मैंने लिया है एक पोचू जो कि मस्टर्ड येलो कलर में है, काफी कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये हमें थोड़ा सा ना कॉलर स्टाइल में मिल जाता है और इसको डालने के बाद तो अगर आप इतनी सर्दी में अगर आप डालते हो ना तो आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लगने वाली है, बिकॉज आप इनर तो डालोगे ही, स्वेटर डालोगे, उसके ऊपर से अगर आप इस पोचू का डाल लेते हो तो आपको क्या होता है ना एक लेयर बन जाती है, 3 से 4 लेयर बन जाते हैं तो फिर ठंड बहुत ही कम लगती है। एंड ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल में दिया हुआ है, अगर आप इसको डालोगे तो काफी स्मार्ट लगोगे। और नीचे नीचे में यहाँ पे इसकी डिजाइन आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सारे डिजाइन यहाँ पे दिए हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। काफी सॉफ्ट फैब्रिक में दिया हुआ है, इसका जो ऊन दिया हुआ है ना ये काफी सॉफ्ट है एंड चुभने वाला बिल्कुल नहीं है। इसमें से 3 से 4 और भी कलर अवेलेबल है, सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वाला कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने एक और ब्लैक कलर में हाई नेक स्वेटर परचेज किया है। आप इसको जैसा कि मैंने बताया इनर की तरह भी डाल सकती है, ब्लैक स्वेटर की तरह भी डाल सकती है, अगर आपको साड़ी पहनना है सर्दियों में तो भी आप एज अ ब्लाउज की तरह भी इसको यूज कर सकती है। तो ये काफी अच्छा है ये वाला, क्योंकि हम बहुत सारे ड्रेसेस के साथ अपने यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये काफी स्ट्रेचेबल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये स्ट्रेच हो रहा है। मैंने इसमें साइज तो एक्सेल पिक किया था, बट इसमें आप फ्री साइज भी चूज कर सकते हो। एंड साइज वगैरह सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, काफी गर्म भी रखता है। इसको मैं हफ्ते भर से यूज भी कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं आपके साथ रिव्यूज के शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये परचेस करने के बाद ये कैसा लगा ये वाला जो है। तो हम हर सर्दियों में इन्वेस्ट करें ऐसी चीजों पर, एक बार ले लेते हैं तो 4 से 5 साल की हमारी छुट्टी हो जाती है। सो आप लोग एक बार इन्वेस्ट करो और 4 से 5 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों के कपड़े 2 से 3 महीने ही हम अपने यूज करते हैं तो उससे ज्यादा तो यूज करना नहीं रहता है। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ ये रेड कलर का कैप जो काफी अच्छा है एंड इसका फैब्रिक जो है ना ये ऊपर से ऊन ऊन सा दिया हुआ है एंड अंदर में आपको दिया हुआ है जो फर वाला होता है ना फैब्रिक, वो फर वाला फैब्रिक दिया हुआ है जिससे सर्दी बहुत ही ज्यादा कम लगती है। एंड ये रेड कलर, ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर जो होते हैं ना वो बहुत सारे हमारे कपड़ों के साथ आ जाते हैं, मैच कर जाते हैं, और सर्दियों में रेड, ब्लैक एंड व्हाइट ये तीनों जो कलर होते हैं ना बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगते हैं। सो मैंने ये रेड कलर का ये कैप लिया है, काफी गर्म रखते हैं इस सर्दियों के हिसाब से ये वाला कैप बेस्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं आपके साथ साइड में इमेज ये दिखा रही हूँ, ये जो वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कुर्ती ली है। ये दोनों कुर्ती कॉम्बो में ली है मैंने, जो कि मैंने मम्मी जी के लिए और खुद के लिए सेम कुर्ती ली है। एक है रेड कलर की एंड एक है थोड़ा सा टैन कलर जो होता है ना वो है। दोनों का डिजाइन आपको सेम मिल जाता है, साइज मैंने एक्सल पिक किया था, लेकिन अगर आप लार्ज साइज पहनते हो तो आप एक्सल चूज करना, एक्सल पहनते हो तो डबल एक्सल चूज करना इसमें जो साइज है, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा पेट के पास नहीं फिटिंग सा आ रहा है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। सो आप लोग इसमें जब भी लेना ये वाली कुर्ती को तो आप एक साइज बड़ा लेना। बाकी इसकी फैब्रिक की मैं बात करूँ, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। कम गाइज ये सब आप लोग चेकआउट कर लेना आपको, और जो भी सेल अभी चल रही है अमेजोन पे आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, काफी अच्छी सेल है, आपके बहुत सारे फैशन ब्यूटी पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो गाइज चलिए फिर ब्लॉग की तरफ चलते हैं। एंड गाइज उसके बाद ये शाम का टाइम हो चुका है और मैं मशरूम को वॉश कर रही हूँ, और पता है मशरूम को गर्म पानी से वॉश कर दो ना तो उसके जो गंदगी होती है ऊपर की, ब्लैक ब्लैक सा जो पकड़ा रहता है वो बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे एकदम वाइट वाइट सा हो गया मशरूम, इसके ऊपर ने एक ब्लैक लेयर सी थी लेकिन सारा कुछ साफ हो गया है। मम्मी जी अभी निकाल रही थी मटर बैठे बैठे, तो बस उनका मटर ना एक बाउल उन्हें निकाल लिया सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम मटर। तो मम्मी बोली कि मैं निकाल देती हूँ, मैं मना करती हूँ लेकिन फिर भी बोलती है मैं बैठ के क्या करूँगी, छोटे छोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। और बस यहाँ पे स्पर्श अभी बैठा हुआ है एंड अभी यहाँ पे ना भूख लगी हुई थी सबको थोड़ी थोड़ी, तो मैं सोची कि चलो आज मूंगफली को खाती हूँ। मूंगफली वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मम्मी जी लेंगी थोड़ा सा, और उसको मैं गर्म कर दे रही हूँ कढ़ाई में। और आज ना साग भी बन रहा है साथ में मशरूम मटर भी, तो साग के लिए मैंने यहाँ पे साग बॉयल हो चुका था, उसके बाद हरी मिर्च लहसुन ये सारे तड़का लगाने के बाद साग को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और उसमें नमक और बस नमक ही डालना और कुछ नहीं डालना है। तो ये थोड़ी देर बाद ना ये भी तैयार हो जाएगा, देखिए मटर भी इसमें भी पड़ा हुआ है। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी मूंगफली खा रही थी, हीटर साइड में चल रहा था और मैं बैठ गई थी स्पर्श को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको होमवर्क वगैरह करवाना था। साथ में मैं यहाँ पे मशरूम भी लेके आ गई हूँ कि मैं स्पर्श को पढ़ाती भी रहूँगी और साथ में अपना काम भी करती रहूँगी। तो उसको मैंने बिठाया है साइड में और यहाँ पे इकट्ठे बैठ के ना बात बात करके और काम भी करो तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिलजुल के रहने में, मतलब इकट्ठे रहो। और फिर या तो मम्मी जी दूसरे रूम में रहती, मैं दूसरे रूम में, तो अजीब सा ही लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो
हम लोग साथ ही में बैठ के यहाँ पे बात बात भी करते रहते हैं, मन भी लगता है मम्मी जी का, क्योंकि मम्मी तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि वो जहाँ जो रहता है ना वहीं पे किसी का भी मन लगता है, तो मम्मी यहाँ पे आई हैं तो उनका भी ना थोड़ा सा दिन भर मन नहीं लगता है, तो ऐसे साथ में बैठ के हम लोग बातें शातें करते हैं ना तो उनको भी अच्छा लगता है, उनका भी मन लगता है। तो यहाँ मम्मी जी और ये दोनों लोग बैठ के स्पर्श भी मूँगफली खा रहा था, बीच बीच में ये दे रहे थे, और ये भी अभी ऑफिस से आ चुके हैं तो ठंड तो है ही, आने के बाद बस हीटर के सामने बैठे। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और वो लेके बैठी हूँ, प्याज लेके बैठी हूँ। गाइस ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, तो कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा ही ब्लॉग था तो सोचे कि चलो आज वाला भी ऐड कर देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, मैं यहाँ पे मिल्क लेके आके बैठी हूँ और लड्डू खा रही थी मैं, मम्मी जी भी साइड में बैठी वो चम्पराश खा रही थी, और स्पर्श को मैंने बिस्किट दिया है तो वो खा रहा था। तो बस सुबह का कर्टन हटाई ना तो थोड़ी बहुत धूप आई है, लेकिन अच्छी धूप नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पे सूज सारे फैले हुए थे तो स्टैंड में सारे को मैं लगा रही हूँ, मेरी मोचड़ी थी, इनके सूज थे, मम्मी जी के स्लीपर थे, स्पर्श के सूज थे, मतलब पूरा ही यहाँ पे भर गया था। तो सोचे कि चलो इसको सबसे पहले लगा देती हूँ, अगर थोड़ा गीला रहता है तो मैं धूप में रख दिया करती हूँ, धूप में रख देने सूज भी अगर एकदम फ्रेश थोड़े हो जाते हैं। उसके बाद हो चुके थे अभी कपड़े वॉश, तो कपड़े वॉश हो गए तो लेके आई मैं बाहर, स्टैंड भी बाहर निकाली। स्टैंड को मैं क्या करती हूँ, अंदर ही रख दिया करती हूँ, पीछे साइड में स्पेस भी है या फिर एक बाथरूम में भी स्पेस है तो मैं उसमें ले जाके रख देती हूँ, नहीं तो पता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि अगर बारिश आ गई, आधी आ गई तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि इतना भी ऐसा नहीं होता है कि स्टैंड क्लॉथ स्टैंड होता है एकदम से मजबूत लोहे का बना होता है, नहीं, तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए ना अंदर रख देती हूँ कि फिर क्या बार बार ये सारी चीज़ें तो खरीदी नहीं जाती। अगर ऊपर से कुछ रहता ना सपोर्ट जैसे छत सा रहता तो मैं इधर ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद बस कपड़े जो स्टैंड पर मुझे डालने थे हल्के वाले स्टैंड पर डाले कुछ। अभी हम लोग बैठे हुए हैं धूप में और धूप बहुत अच्छी लग रही है, एंड स्पर्श इधर बगल में सोया है, लेटा हुआ है। मैं तो नहा धो ली हूँ, स्पर्श बोलता है कि नहीं नहाऊंगा मैं, और मम्मी बस आई थिंक नहा नहीं गई हैं, और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और ब्रेकफास्ट पे बैंगन आलू की सब्जी और रोटी बनी हुई थी। क्या हुआ स्पर्श, इतना क्या हो रहा है इसमें, देखना क्या हो रहा है स्पर्श को, क्या हो रहा है बता दो। आई 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 में क्या हो रहा है, सारा कलर इसने फेस पे लगा रखा है। और अभी मैं दोपहर में धूप में बैठे बैठे फ्रूट्स को कट कर रही थी, क्योंकि धूप थी और इसी टाइम पे फ्रूट्स खा भी सकते हैं, और कई बार तो मैं शाम को खा लेती हूँ लेकिन शाम को नहीं खाना चाहिए, पता है मेरी तबीयत अभी भी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यही फ्रूट्स खाने के चक्कर में पता नहीं क्यों हो गया ऐसे। तो यहाँ पे ऑरेंज और बनाना नहीं था, सॉरी ऑरेंज था, एप्पल था, और साथ में गुआवा था, ये सारी चीज़ें मम्मी को भी मैं कट करके दे रही हूँ। और मम्मी जैसे अभी नहाई हैं और नहाने के बाद अभी आई हैं धूप में बैठने के लिए, आज वो ना लेट नहाई है, तो बस यहाँ पे मैं भी बैठ के खा रही थी, मम्मी को अलग प्लेट में दे दूंगी, साथ में काला नमक का वो लेके आई थी। और यहाँ स्पर्श कर रहा है अपनी पढ़ाई, तो होमवर्क वगैरह था वो सब ये कर रहा है होमवर्क, और धूप में बैठे बैठे ने सोची ना कि अपना होमवर्क भी कर लेगा, अच्छे से पढ़ाई भी कर लेगा, और यहाँ पे बहुत सारे उसको होमवर्क अभी करने थे, बहुत आज उसने परेशान किया उसका करने का। स्पर्श का होमवर्क करा रही हूँ, लंच हमारा बन रहा है, एक्चुअली स्पर्श की डिमांड थी ना चावल दाल पकौड़े खाने की, तो चावल दाल तो बन गया, अभी देखती हूँ टाइम रहेगा तो पकौड़े बना दूंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। चलो हो गया, अब दूसरा इसमें और है नहीं है, इसमें लिखो हिंदी का लिखो, उसके बाद रोएगा अगर पकौड़े नहीं मिलेंगे। राइस बन गया, सीटी दिया, जल्दी जल्दी स्पर्श कहाँ, आ की मात्रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा में क्या, का आ का न कान ता आ ता है ना, आ की मात्रा बोलते हैं। चलो फास्ट फास्ट लिखो, अच्छे से राइटिंग बनाना, ठीक है गाइस। यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ पकौड़े, ये आलू थोड़े से हैं इधर, और इसका बेसन जल्दी जल्दी एकदम मतलब 5 मिनट में मैंने तैयार किया, लहसुन हरी मिर्च को मैंने फेंट के, क्योंकि स्पर्श को खाना ही खाना है। तो यहाँ पे इसका बेसन ये रेडी कर चुकी हूँ, मिल्क उतार के फिर मैं आलू को इधर बॉयल कर रही हूँ, राइस भी बन चुका है, बस पकौड़े बनाने की देरी है, स्पर्श तब तक अपना कर लेगा होमवर्क, तब तक ये भी फ्राई हो जाएगा। एंड सब्जी भी है थी आलू बैंगन की, बट वो नहीं खाना था, बस ये हो गया, कुछ 1 मिनट ही बस करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, इसको उतार दे रही हूँ मैं।
रवि आ चुके थे ऑफिस से, तो इनके लिए बना है पपीता का हलवा जो मैं अभी गर्म कर रही थी, और साथ में जो पकौड़े थे ना दोपहर में बनाए थे उसका घोल मैंने थोड़ा सा रख दिया, तो इनके लिए गोभी का बना दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। इस ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कॉमेंट्स करके बताना, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।